आज सर्वे का तीसरा दिन है, आपकी तरफ से भाग ले रहे हैं? हाँ, मेरी तरफ से वहाँ है रिप्रेजेंटेटिव, हमारे मेरे प्रतिनिधि वहाँ पे हैं, उसमें सहयोग कर रहे हैं। यासीन साहब कह रहे हैं कि अगर अफवाह फैलाई जा रही है इसको लेकर के, क्या क्या अफवाह? इस तरह अफवाह ये कि जहाँ पे अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है वहाँ के बारे में कहा जाता है कि इतनी बड़ी मूर्ति मिल गई, इतना बड़ा त्रिशूल मिल गया, तो जहाँ अभी कुछ हुआ नहीं उसके बारे में अगर ऐसी बात होगी तो अफवाह ही कहा जाएगा। जब वहाँ हमारे आदमी हैं वहाँ पर, कल मैं भी था, 2-3 घंटा मैं भी था, हमारे साथ और भी वकील थे, उसके बाद फिर शाम को भी हमारा आदमी वहाँ था, तो ऐसा जहाँ अभी तो कोई कार्रवाई हुई नहीं उसके बारे में अगर कोई कहेगा तो ये अफवाह ही कहा जाएगा। नहीं तो मीडिया कहेगी, ये नहीं आ रहा कौन कह रहा है, व्हाट्सएप पे आ रहा है। अब सवाल तो आज के जमाने में यूट्यूब और व्हाट्सएप पर बहुत चलते हैं, अब वो फिर हम देखेंगे, फिर दूसरा देखेगा, फिर तीसरा तीसरे को वो फॉरवर्ड करेगा, अब उससे पब्लिक जब देखेगी तो पब्लिक में तो ये उन्माद आएगा ना कि भाई देखिए ऐसी बात है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की अगर फैलाया जाएगा तो हम लोग जो अपने को विड्रा कर लेंगे। तो इस पर कैसे रोक लगाई जाएगी, कौन रोक लगाएगा? रोक लगा इसको प्रशासन लगा रहा होगा या तो इसको प्रशासन को इसे देखना चाहिए ना, ये काम तो प्रशासन का ना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम प्रशासन का है, और प्रशासन जैसा कहती है कि हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं तो ये भी उसी की ड्यूटी है। ये बात उन्होंने भी कल ऐसा ही के जो वहाँ एडिशनल डायरेक्टर है मिस्टर आलोक त्रिपाठी, उनसे भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने डीएम साहब से कह दिया है कि देखिए ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। जो बातें अभी आप देखे होंगे परसों वाले में कुछ फोटोग्राफ आ गया, अभी वहां से बाहर कुछ आया भी नहीं, आ भी नहीं सकता, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है कि जो भी रिपोर्ट होगी दैट शुड बी फाइल्ड इन सील कवर, तो अगर सील कवर में दाखिल करने की बात है तो अभी तक कहां से बाहर आ गई, ये बात उन्होंने डीएम साहब से हम लोग से बताया कि मैंने कह दिया है कि ये बात गलत है, इसको आप लोग रोकिए, इतनी बातें।